कृणाल पंड्या जी है, वर्ण ब्राह्मण है, राज पिपला गुजरात से हैं। इनका प्रश्न है कि हमारी जो आचमनी होती है उसके पीछे का हिस्सा नाग के आकार का क्यों होता है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं जो आचमनी जो हम लोग आचमन करते हैं तो एक चम्मच रहती है ताम्र की, उसके पीछे नाग सा बना रहता है, तो वो नाग क्यों बना रहता है, क्या प्रश्न है। देखिए ऐसा है कि हमने बहुत तरीके की आचमनी देखी है जिनमें कोई भी नाग वगैरह नहीं बना होता है, चांदी की भी आचमनी लोग बना के रखते हैं, कई बलय होते हैं उसमें, बलय नुमा बना रहता है सीधा डंडा जैसा, और किसी में नाग बना रहता है, किसी में बिल्कुल नाग छाप देते हैं, किसी में आँख भी बना देते हैं, कोई वैसा ही फण नुमा होता है और पता नहीं चलता कि ये सर्प है क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आचमनी ऐसी ही होनी चाहिए और फिर ऐसा क्यों होती है। शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार का आचमनी बनाया जाए और इस प्रकार का आचमनी पात्र होता है और उससे आचमन करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आचमन करने का जो विधान है वो हस्तेन एव, हाथ से ही करें। आचमन के बड़े नियम हैं, मैं जो है आपको हिंदी में ही समझा देता हूं कि गाय के कान के समान हाथ को करे पहले ऐसे, फिर मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठ अंगूठे को और कनिष्ठिका को हटाए, और बीच में ये बीच में जो तीर्थ है हमारे हाथों में अलग अलग तीर्थ हैं, ये देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, ये ब्रह्म तीर्थ है, ये काय तीर्थ है, ये अग्नि तीर्थ है, तो इस अग्नि तीर्थ में जल लेवे ऐसे करके, और इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। इसमें कितना जल ले तो मांस पूरित, यानी उड़द का दाना इसमें डूब गया इतना जल लेवे, तो वो चाहे पात्र से ले लेवे, चाहे जो वह लोटे से ले ले, या नदी में ही कर रहे हैं, उत्तम पक्ष तो जलाशय में करने का है ना, संध्या आदि, तो वहीं से जल से ले लिया, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर वो आचमनी आप कह रहे हैं सर्पाकार हो या जैसी भी हो, उससे जल ले लिया, जल लेने के बाद अब उसको ब्रह्म तीर्थ ने पिबे तो लिखा है, ये ब्रह्म तीर्थ से पिबे। अगर कोई तर्जनी हाथ, तर्जनी वाम हाथ की तर्जनी से उस जल का स्पर्श कर देता है तो वो जल सोम पान के समान फल देने वाला हो जाता है, पर उसमें ध्यान रहे वो दाहिने हाथ जिसके वाम हाथ की तर्जनी का नख उसमें स्पर्श न कर पावे, केवल अधो भाग ही स्पर्श करे, तो इतना जल लेकर के फिर लिखा हुआ ब्राह्मण इतना जल लेवे के हृदय तक चला जाए, है ना, और क्षत्रिय लेवे जो कंठ तक चला जाए, वैश्य का तालु तक रह जाए, और स्त्री और शूद्रों को केवल मुख जिह्वा तक ही चला जाए, ओठ भी भीग जाए तब भी उनके लिए शुद्धि बताई गई है शास्त्रों में। तो अगर कोई इससे व्यतिरेक में करता, ब्राह्मण केवल होठों पे ही लगा लेता है, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो फिर वो उनके लिए पवित्रता नहीं होगी, और क्षत्रिय यदि कंठ तक ही लेते हैं यहाँ तक तब भी, तालु तक तब भी उनकी शुद्धि नहीं होगी। जिसके लिए जितना जल मात्रा में लेना बताया गया है उतना ही लेना चाहिए, और मंत्र पूर्वक उसको ब्रह्म तीर्थ से पीना। बहुत से लोग ऐसे ऐसे आचमन को डालते हैं, ऐसे नहीं डालना है, आचमन को बिल्कुल मुख लगा करके इसको पीना है। चुस्कार वर्जितः लिखा हुआ है कि वो जो ऐसे चुस्कार नहीं करे जल आचमन करते समय, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जल अंदर जाए पर आवाज नहीं आए, और वो जल गर्म, जैसे कोई सर्दियों में गर्म जल कर लेते हैं या गर्मियों में कोई फ्रिज का जल ले लिया, ठंडा जल ले लिया, वो जल नहीं, लिखा हुआ प्रकृतिस्थ जल होना चाहिए और ताजा जल होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, पवित्र जल होना चाहिए। हमारे यहाँ शुद्धता और पवित्रता में फर्क है,
शुद्धता चक्षुओं का विषय है, प्रत्यक्ष है, शुद्धता और अशुद्धता नहीं, मलिन और उज्ज्वल कुछ भी कहें, शुद्धता और अशुद्धता। अब ये वस्त्र शुद्ध है या गंदा है, मैला है, साफ है, ये तो चक्षुओं का विषय है, दिखाई देता है चक्षु इंद्रिय से, लेकिन ये शुद्ध है, ये जो पवित्र है या अपवित्र है, ये तो वेद ही बताएंगे, ये तो धर्मशास्त्र ही बतलाते हैं कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। पवित्रता और अपवित्रता ये केवल शास्त्रीय का समधिगम्य है, ये किसी भी इंद्रिय जन ज्ञान से जो है सिद्ध नहीं हो सकती, किसी भी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकते। तो इस दृष्टि से वो जल आरो आदि का आश्रेष्ट नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि भाई देखिए पेय है, शुद्ध है, फ्रिज का रखा हुआ है, ये नहीं, केवल वो प्रकृतिस्थ ही जल होना चाहिए, तो वो शुद्ध भी हो और पवित्र भी हो, उस जल को लेकर के और फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद ये मुख प्रौंछन होता है, फिर आचमन की कई प्रक्रियाएं हैं, वैदिक आचमन अलग है, स्मार्त आचमन अलग है, तांत्रिक अलग है, और पौराणिक आचमन अलग है, आमंत्रक आचमन भी होता है इस तरीके से, और जलाभाव में आचमन कैसे करें, ये आचमन की अपनी अपनी प्रक्रिया है, आचमन पर कभी बतलाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो आचमनी पात्र कोई शास्त्री नहीं है, कि वो जो है सर्पाकार ही होना चाहिए, कैसा भी हो पकड़ने की सुविधा लगती है इसलिए उसको ऐसा बना देते हैं। तो बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनका शास्त्रों में निर्देश है, और बहुत से ऐसे हैं कि जो अपने सुविधा के अनुसार बना लिए गए हैं, शास्त्रों में कोई ऐसा निषेध नहीं है उनके लिए कि ऐसा न हो, तो चल सकते हैं। इस दृष्टि से वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पात्र को सर्पाकार हो और ऐसी हो, ऐसा कोई विचार न रखें। ये सब पात्र ये समझ लीजिएगा अशास्त्रीय हैं, और यद्यपि इनकी कहीं शास्त्र में विशेष निंदा नहीं है, परंतु आचमनी से कोई आचमन करता है ऐसे डायरेक्ट, ये उठाया जल लिया और सीधा सीधा आचमन कर लेते हैं, वो आचमन नहीं है, वो तो वो पात्र भी झूठा हो गया और वो आचमन की क्रिया नहीं हुई। और आप आचमन नहीं करते हैं तो किसी भी कर्म करने के आप अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आचमन करने से ही तत्कर्म का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए हर कर्म में आचमन का विधान है, शास्त्रों में आचमन का जगह जगह पर विधान है, जगह जगह पर बहुत आचमन की महिमा है। इसलिए आचमन अगर आप देखें तो पूरे दिन में कम से कम मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा आचमन अगर हो जाएंगे, पूरी क्रियाओं को विधिवत करता है, संपादन करता है, तो बहुत आचमन का विधान है। इसलिए जो है आचमन अवश्य करें, और उस आचमनी से आचमन नहीं करें, हाथ से ही आचमन करें। ठीक है जी, हर हर महादेव।